हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा, टीम सीएलसी। हमारे साथ हैं रणवीर सर। आज हम लोग करेंगे हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। दी गई क्रिया में ये एक रिएक्टेंट है, यहाँ बी आर फ्री रेडिकल दे रखा है, एक्स के बारे में पूछा, क्यों सर? जी जी जी। तो इसमें कैसे देखेंगे हम? एल्केन अपने को दे रखी है, एल्केन की रिएक्टिविटी अपन डायरेक्ट देखेंगे फ्री रेडिकल से। फ्री रेडिकल यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है। फ्री रेडिकल देख लेंगे अपन बनाकर कि कौन सा मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा है। अब अपने बात करें तो क्या दे रखा है, सी एच थ्री सी एच, यहाँ पे डी दे रखा है, और एक तो अपन सी एच टू ये वाला फ्री रेडिकल बना सकते हैं सर, और एक अपन थ्री डिग्री भी बना सकते हैं सी एच थ्री सी एच सी। यहाँ पे फ्री रेडिकल जो बनेगा वो मोस्ट स्टेबल होगा ड्यू टू एल्फा एच से, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाएगा। तो जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी इसका मतलब वहीं पे बी आर अटैच हो जाएगा, अटैच होगा, मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। जी जी। तो सर ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं? हाँ सर, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा एच के। अल्फा एच जितने ज्यादा होंगे उसकी हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होगा, मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। जी 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 जी। अल्फा हाइड्रोजन यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन सर किसमें होता है भला, यानी कि एल्कीन में देखा जाता है, तो इसमें एक हो गया सर, में देखा जाता है और कार्बोकैटायन में देखा जाता इसमें है। इसमें एक हुआ जी, इसमें एक हुआ, इसके पास अल्फा एच, ठीक है ना, यानी कि थ्री और एट हो गया सर, हाइड्रोजन और डी डी करते हैं एट हो जाएगा प्लस। जी, उसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सर कितना मिल जाएगा, फोर फोर हो गया, और यहाँ पे बात करें तो मात्र कितना है, फोर है। तो जिसके पास अल्फा एच जितने ज्यादा होंगे इसका मतलब उस एल रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा ज्यादा होगी, तो मतलब तो अपना आंसर हो गया सेकंड। जी ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी, बहुत बढ़िया सवाल है सर। एल्कीन फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट इन द अबव एलिमिनेशन रिएक्शन, हॉफमैन रिएक्शन का मान वाली बात। जी 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 जी। तो अपने सर जैसे सिंपल सी कहानी करें जी, एक थोड़ा बच्चों को इसको समझाइए, CH3CH2 और CHNR3+ है। जी 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 जी, NR3+। जी जी, NR3+ और यहाँ CH3 जी, OH- जी। इसकी एक सर थोड़ा सा इनको मैकेनिज्म बताइए। हाँ सर, अगर अपन बात करें तो वो देखा जाएगा जो मोर एसिडिक एच होगा वो जल्दी रिलीज हो जाएगा। अब अपने पास ये दे रखा है तो अल्फा एच कौन सा है, ये अल्फा ये बीटा, बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब इन दोनों में से कौन सा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखेंगे, यानी कि एच जितना जल्दी रिमूव हो जाएगा, एक तो अपने यहां से रिमूव हो सकता है या फिर यहां से रिमूव हो सकता है, तो कौन सा मोर स्टेबल है सर, मोर स्टेबल बी बीटा, यानी कि ये बीटा वाला क्या है, मोर एसिडिक एच होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब जो मेजर प्रोडक्ट अपने पास मिलेगा वो क्या मिलेगा, वन ब्यूटीन मिलेगी हॉफमैन एल्कीन के अकॉर्डिंग। तो ये तो सर ने एक सिंपल से आपको मैकेनिज्म बताई, एसिडिक हाइड्रोजन आपको देखना है, कुल मिला के बात किया। जी, मतलब अगर जो एक और बात करें हम, जी सर, CH3 CH2 CH2 एन कर दिया, यहाँ CH2 CH3 कर दिया, यहाँ CH2 CH2 CH3 कर दिया, यहाँ CH2 CH2 CH3 कर दिया, जी प्लस कर दिया, जी जी जी, और ये OH- कर दिया। अब इसको हीट कर रहे हैं अपने, जी वो देखेंगे कि कौन सा मोर एसिडिक एच है। हाँ। इसके पास ये अल्फा और ये बीटा, बीटा से हाइड्रोजन रिलीज होगा, ये अल्फा और ये क्या है बीटा, ये अल्फा और इसका भी क्या है बीटा, और ये तो सेम ही है सर, तो इसका मतलब मोर एसिडिक जो हाइड्रोजन है यानी कि ये कार्बन बहुत है, सही बात है, मोर स्टेबल है। मतलब अगर जो रेजोनेंस वगैरह नहीं है तो हम एक ट्रिक सेट कर सकते हैं कि एन है जी और R1 R2 R3 लगा हुआ सबसे छोटा है वो एल्कीन, वही एल्कीन बन जाएगा। जी जी जी, बेटा लेकिन धोखा मत खाना, कहीं गड़बड़ हो सकता है, कहां गड़बड़ होगा ये देखना। अगर मान लीजिए सर ऐसे कुछ दे रखा हमने तो यहाँ पे सर अपन मोर एसिडिक एच वो देखेंगे जो जल्दी रिमूव हो जाएगा। जी जी जी, ऐसे कुछ कर दिया इसने जी, OH- जी। तो अब एसिडिक हाइड्रोजन जो आपने पहले कहा कॉन्सेप्ट क्या है अपना, एसिडिक हाइड्रोजन देखना है जी, जी। तो वो तो मोर एसिडिक एच, तो ये एक CH2 यहाँ कर देते हैं जी जी। हाँ, अब मोर एसिडिक हाइड्रोजन तो कौन सा होगा सर, ये हो गया, ये हो गया जी। मतलब यहाँ जो आंसर बना ये अपनी स्टाइरीन बन गई सर। हाँ जी, पॉलीमर में इसका जो सर ने कहा नाम आप ध्यान रखना कि ये बहुत
गहरी बात कह गया सर, स्टायरीन। आपसे सिंपल सी कहानी कहा जाएगी एचबीआर के साथ स्टायरीन की रिएक्शन। अब ये रिएक्शन तो आसान है लेकिन स्टायरीन का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए और वो कहीं एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा जी। इसलिए सिंपल बेटा एन आर वन आर टू आर थ्री आर फोर है सर, तो बड़े वाले निकाल दो एन आर के साथ और छोटी वाली एल्कीन बना दो। लेकिन कहीं बेंजीन वगैरह है थोड़ा सतर्क हो जाए, मोर एसिडिक है, बेंजीन के बगल वाला एच हटाए और वहां क्या लगा दिया डबल बॉन्ड। ठीक है सर, इसमें अच्छा काम हुआ। तो इसमें तो आंसर सर, इसमें आंसर कौन सा हुआ? ये वाला हो गया सर, यानी कि सबसे छोटा कौन है? तो ये पूरा निकला जी, और इसको CH2 CH3 यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकला और ये एल्कीन बन गई। तो आंसर क्या हो गया? सेकंड हो गया। ठीक है बेटा जी, इसको वीडियो पॉज करके होफमन एल्कीन की अगर अपन बात करें तो सर वो देखेंगे जिसके ऊपर लेस एल्काइल परसेंट हो, और सेटजक में सर वो मोर एल्काइल यानी कि अल्फा है जिसके पास ज्यादा हो, ज्यादा हो। ठीक है, यहाँ सर कई बार ये भी होती है ना, बच्चे ये सोच लेते हैं जिसके पास स्टेबिलिटी तो आपने वो देखेंगे, जिसके नहीं, पास नंबर ऑफ अल्फा है ज्यादा। नहीं, 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 यहाँ प्रोडक्ट देखा जा रहा है कि प्रोडक्ट कौन सा मेजर बन रहा है। हाँ, हाफमान सेटजब की सर बात करी, जिसे मान लीजिए ये है CH3 जी, CH2 CHCl CH3 जी, और यहाँ एल्कोहलिक KOH लगाते हैं सर जी, तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा सर, यहाँ से अल्फा यानी कि मोर क्राउडिंग होगी, वहां से H रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सेटजब वाला ये है। लेकिन अगर यही चीज ऐसे हो CH3 CH2 CHF अगर CH3 जी जी जी, यहाँ पे अब लिविंग ग्रुप कैसा हो गया? वीक हो गया, यानी कि पुअर लिविंग ग्रुप हो गया। इसका मतलब यहाँ पे की बात कर रहे हैं। जी 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 जी, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कौन सा मिल जाएगा? होफमन एल्कीन का मिल जाएगा। इस बार हम लोग प्योर एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे, कोई इधर उधर की बात। यहाँ पे सर एक और बात हो सकती है कि अगर बेस बल्की हो इसी रिएक्शन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेस अगर बल्की हो तो मेजर प्रोडक्ट होफमन एल्कीन मिलती है। मान लो अपने को बेस बल्की ये दे दिया, ओके जी सर, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड दे दिया, तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट अपने को मिलेगा वो भी होफमन एल्कीन मिलेगी। तो दो कंडीशन होगी होफमन एल्कीन के लिए, एक तो बेस बल्की हो तो मेजर प्रोडक्ट होफमन एल्कीन मिलेगा, दूसरा अगर लिविंग ग्रुप कैसा हो, पुअर लिविंग ग्रुप हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? होफमन एल्कीन। क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन लोग ऐसे लेंगे अपने जी, इसने दिया और ये बाहर जी। ठीक है जी सर, SN1 रिएक्शन। पहले सर एक SN1 रिएक्शन की बच्चों को एक ब्रीफ दीजिए, क्या है SN1 रिएक्शन? SN1 वहां सबसे ज्यादा होगी जो पहले, सबसे पहले इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन देखिए, कार्बोकैटायन जो मोस्ट स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। कहने का मतलब यही हो गया, जिसके पास रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है यानी कि जिसके पास क्राउडिंग सबसे ज्यादा है उसकी क्या होगी? अपने SN1 सबसे ज्यादा होगी। R2 ये सर ने कहा कि इंटरमीडिएट बन गया जी जी जी। अब इस पर OH- अटैक करेंगे जी, तो एक बार तो ये हो जाएगा R1 CR2 R3 OH, और प्लस अगला क्या होगा सर? आगे वाला अपने क्या हो जाएगा सर? OH, और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो इस टाइप की सिचुएशन हो जाएगी OH CR1 R2 R3। अच्छा, दोनों प्रोडक्ट बना रहे हो आप? हाँ। अच्छा, रेसिपी मिक्सचर हाँ, वाला बना रहे हो, ये बच्चों को इतना कन्वे अच्छा, करने मैंने सोचा वो साइड प्रोडक्ट तो अपने जरूरत ही नहीं है कि हाँ, KCl वाली हाँ। तो यहाँ पे तो रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा हाँ, लेकिन यानी कि एक कंडीशन है उसमें कि ये रेसेमिक मिक्सचर है वो प्योर नहीं होता 100%। ये बात आप सुनना चाह रहे थे सबसे जी 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 जी। या 100% रेसमाइजेशन नहीं होगा, पार्शियल रेसमाइजेशन होगा, और ये बीएमटी में आया क्वेश्चन है, इन्वर्जन ज्यादा होगा। मतलब जो आने वाला है अटैक करने वाला है वो पीछे से जल्दी अटैक करेगा सामने वाले से। क्यों सर? सामने वाला कोई घर से निकल रहा हो और बैक साइड से जल्दी अटैक किया जा सकता है, तो इस पर हम थोड़ी सी बात कर ले। इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन क्यों सर? हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाँ, अगर ये पूछ ले कि SN1 में तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा? sp2 जी जी जी, sp2 से वापस sp3। कितने स्टेप की रिएक्शन है सर? टू स्टेप हो गई SN1 जी। देखिए हम लोग बात पूरी SN1 आपके सामने थ्योरी पेश कर रहे हैं जी, टू स्टेप रिएक्शन हो गई जी। ऑर्डर इसकी क्या हो जाएगी सर? ये टू ही होगी, सिंगल ऑर्डर होगी, क्योंकि इसमें एल्काइल हैलाइड ही पार्टिसिपेट करता है। बिल्कुल सही। इस रिएक्शन को सोल्वोलाइसिस रिएक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि सोलवेंट ही न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। अच्छा सर, एक रेसमाइजेशन कहा जी, कई बार ये पूछ ले कि रेसमाइजेशन होगा कि नहीं, तो ये हम कैसे देख लेंगे? काइल जी जी, उसके ऊपर काइल कार्बन होना चाहिए और सबसे ज्यादा क्या होनी चाहिए? सबसे ज्यादा बात यह कहा गया किसमें रिस्माइजेशन होगा जी जी, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करके किसमें रिस्माइजेशन होगा? SN1 में ये देखा जाता है सर कि क्या होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए सबसे पहले हाँ।
पोलर प्रोटिक नहीं है, पोलर एप्रोटिक है तो फिर SN2 की ओर इशारा हो जाता है। और न्यूक्लियोफाइल फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक करेगा, इसलिए रेस्टमाइजेशन हो रहा है, लेकिन सीएल होगा 100% नहीं होगा। तो रेस्टमाइजेशन पूछ ले क्वेश्चन की कौन एक्वस क्यूएच के साथ मिक्सर देगा, ये नहीं देगा, नहीं दे सकता, ये उसके लिए काइल कार्बन भी होना चाहिए, नहीं दे सकता। और सर ये CH3 ये देगा सर, क्योंकि इसके पास काइल कार्बन हो गया, ये दे देगा। तो आपको यहाँ देखना है सीधे कायरल, फिर OH लगा दिया, रेस्टमाइजेशन हो गया। यहाँ एक बहुत खास बात, फिर PMT की तरफ जाएंगे जी, क्वेश्चन के ऑप्शन को देखकर आपको बात करनी है कि कौन रेस्टमाइजेशन करेगा कौन नहीं करेगा। ऐसे भी पूछ लिया जाता है सर कौन जल्दी करेगा, जल्दी करेगा, जल्दी करेगा तो उसमें कार्बोक्टेन स्टेबिलिटी देखेंगे, स्टेबल कार्बन, वही मान लीजिए दो कायरल दे देते हैं तो उसमें सील हटा के हम देख लेते कौन कायरल कार्बन मोस्ट स्टेबल है। एक क्वेश्चन और है, कौन कर सकता है, एक थोड़ी सी बात है छोटी सी बहुत, और यहाँ पे है बेंजीन बना दी उसके ऊपर अपने CH2 PMT क्वेश्चन है जी एक बार ये ऑप्शन बेस्ड था मैटर जी, और यहाँ कहा जाए एक्वस QH के साथ रेस्टमाइजेशन होगा कि नहीं होगा। हाँ जी जी, तो बेटा ध्यान से देखना, यहाँ हमने CL निकाला प्लस चार्ज बनाया क्यों जी, सर जी वैसे तो अगर ऑप्शन में ये होता और एक कायरल होता तो हम इसको ऑप्शन में टिक नहीं करते, नहीं करते। लेकिन अब यहाँ पे मजबूरी है क्योंकि उसमें ऑप्शन इसके कायरल के साथ भी जी, लगा रखा था जी, तो अब इसने ये दिया जी, यहाँ पे CH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है सर जी। अब देखिए कायरल बन गया जी, कायरल बन गया, अब ये तो रेस्टमाइजेशन हो जाएगा, यानी कि ये पहला बंदा है जब मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की ओर इशारा कर रहा है, इशारा कर रहा है, मतलब कोई बेटा पूछे कि ये रेस्टमाइजेशन शो कर सकता है जी, लैंग्वेज पे ध्यान जी, कर जी, सकता है तो कर सकता है जी, लेकिन मान लो ये ऑप्शन में हो और कोई कायरल हो तो इसको अपने कायरल कार्बन को ही अपने आंसर देंगे, लेकिन वो ये कायरल के साथ इसको दो दो का पेयर दिया था। हाँ सर, तो ठीक। और बात SN1 की आपने बात कर दी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखेंगे, ये सिंगल ऑर्डर रिएक्शन है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है, इस रिएक्शन को सोलोलाइसिस रिएक्शन भी बोला जाता है, यानी कि इसमें जो सॉल्वेंट होता है वही न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाएंगे फिर रिएक्टिविटी देखेंगे, रीअरेंजमेंट भी होगा जी जी, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन जी, कार्बोकैटायन बनाएंगे सर, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाया, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना दिया, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना दिया, अब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है प्लस रेजोनेंस और प्लस रेजोनेंस है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस है, तो सबसे ज्यादा इसी की स्टेबिलिटी हो गई, यही अपना क्या जाएगा आंसर, SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, इंटरमीडिएट कार्बन जी जी, ठीक जी, शानदार, बहुत बढ़िया सवाल है सर। रिंग ओपनिंग का कैसा जी 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 जी, तो इसमें अपने सीधे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाएंगे सर, रीअरेंजमेंट करवाएंगे, 5 वाली रिंग है, रिंग से अटैच कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग में क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी कि फैल जाएगी रिंग, 5 वाली इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 6 में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सर। अब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहाँ पे सही बना है, देखिए तो जी जी, माइनस और ये प्लस, पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ पे आ गया, ऐसा कुछ होगा सर जी जी, ठीक है ना जी। अब प्लस चार्ज, अब ये कह रहा है कि सर मैं पहले से ही ठीक था क्योंकि मैं पहले 3 डिग्री बन रहा था, अब तो मेरे को गड़बड़ कर दिया, ये 2 डिग्री बन गया, तो अब इसमें क्या करवा देंगे, CH3 माइग्रेट करवा देंगे, अब ये 3 डिग्री वापस हो गया, अब क्या करें, अब अपने CL अटैच कर देंगे सर, यानी कि यहाँ पे CL और यहाँ पे CH3, तो इसका मतलब अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, यानी कि वही देख रहे हैं, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है, उसके बाद में अपने अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो करवाना है, 5 मेंबर रिंग है तो 6 में चली जाएगी, 6 वाली कभी 7 में नहीं जाएगी, एक केस में जा सकती है बैक बॉन्डिंग के केस में, कहीं फोर्स लगाओ तो जी जी तब चली जाती है, तब तो उसको मजबूरी से ढाला जाता है, तब वो जा सकती है, ओजोनोसिस जी जी, बाहुबली की तलवार जी, डबल बॉन्ड देखो और काट दो जी, खचा ये देखो, यहां से ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां से भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है जी, ऑक्सीजन सभी डबल बॉन्ड को काट जी, यहां पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन और काट दो, यहां पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सर ने एक साथ ही काट दिया सबको जी, हमने थोड़ा सा रियायत करी जी, लेकिन सर ने एक ही साथ काट दिया, देख रहे हैं, काटना तो था ही सर, तो एक साथ ही काट देते हैं, तो हमें लग रहा आंसर सर फर्स्ट ही आ गया,
ठीक है बेटा जी, CH2CHO CHO, ये देखिए CH2 CHO, हाँ ये वाली चीज आ गई CH2 CHO CHO, ये तो फंस हो गया। हाँ सेकेंड CH3 सी डबल बॉन्ड हो जी, और यहाँ CH2 CHO। ठीक है, ये भी एक बार पूछा जाता है कि ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है या फिर ऑक्सीडेटिव। हाँ तो ये रिडक्टिव है, जेड रिडक्टिव है, जिंक आ गया इसका मतलब जिंक आ जाए या O3 अपने CH3 होल ट्वाइस जी 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 जी, ये आ जाए तो रिडक्टिव है। मतलब एक मोटा मोटी बात हम ये कह रहे कि रिडक्टिव O3ZnH2O या O3CH2 होल ट्वाइस S लिखाओ, तो डबल बॉन्ड तोड़ो O लगा दो जी। ठीक है, अगर यहाँ पे Zn ना दिया होता तो ऑक्सीडेटिव हो गया। हाँ मतलब बनेगा तो ऐसे बनाएंगे, कीटोन है तो टच नहीं करेंगे और एल्डिहाइड है तो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देंगे। जैसे एग्जांपल CH3 जी CH डबल बॉन्ड CH कीटोन का ले लो CH3 ले लो। हाँ यहाँ ऐसे ले लेते हैं जी, और यहाँ O3H2O कर दिया जी। क्यों सर जी, वही तलवार काट दो बीच में से, तो अपने इसका तो क्या हो जाएगा सर, ये तो एल्डिहाइड में चेंज होगा पहले, लेकिन फिर बीच में चेंज कर देगा सी डबल है, और इसको इसको अगर अपने किसमें चेंज कर देंगे साइक्लोपेंटेनोन में कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल, मतलब करेंगे तो वही काम, डबल बॉन्ड तोड़ के ओ लगाया जी, और पहले एल्डिहाइड बना वो CH3CHO, लेकिन इसमें चेंज होगा ऑक्सीडेटेड हो जाएगा और कीटोन कोई दिक्कत नहीं, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, पीएमएन सॉरी जवाब दे देता है। मान लीजिए ऐसे भी दे रखा हो जी, एल्काइन की ही बात कर लेते हैं, बहुत बढ़िया सर, O3ZnH2O जी वही चीज जी, लेकिन आज पूरा ही काटेंगे, ब्रेक करेंगे सिर्फ, आधा काटेंगे, आधा काटेंगे, ये काटा जी, ओ लगा दिया CH3 डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिल का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन यही सर O3H2O होता तो पूरा काट देते, जिंक और किसमें चेंज करते, सिर्फ एसिड एसिड में चेंज कर देते, CH3 COOH में कन्वर्ट कर देते, 2 मोल बन गया ये इसका। ठीक बच्चों जी जी, तो बात ओजोनोसिस की, देखिए क्वेश्चन आया SN1 का आया, तो हम लोगों ने पूरी बात करी, उसको ध्यान से सुन लो जी। O3ZnH2 एक सिंपल सा क्वेश्चन आया, हम लोगों ने एल्कीन रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव दोनों किया, एल्काइन रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव दोनों कर दिया आपके सामने, ये सब आपके लिए बहुत बेहतर इंपॉर्टेंट होगा जी। नेक्स्ट है सर जी, बेहतरीन फिर आया, बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा सर एक बात, आप कल कह भी रहे थे जी कि I2 है जी, तो यहाँ पे CH2 CH2 ऐसा नहीं बनेगा, नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि ये बल्कि बल्कि ग्रुप आपस में रिपल्शन कर लेते हैं, I2 वापस लीज हो जाएगा, एल्कीन वापस मिल जाएगा, एल्कीन वापस मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे है HI जी, सिंपल हम I है जी, ठीक है सर जी, HI के साथ रिएक्शन करेंगे, वही क्या बनेगा सर, MKR जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, आई, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आई, वही वाली कंडीशन आ गई सर, दो बल्कि ग्रुप एक साथ है, नहीं रह सकते, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, इस एल्कीन का प्रोपीन का फॉर्मेशन हो गया, अब इसका रिएक्शन HI के साथ करवाएंगे, वही यानी कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना दो, और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है नहीं इसमें, सीधा डायरेक्ट आई लगा दो। मतलब एक बात सर, एक कई बार बच्चे मार्कोनी एंटी मार्कोनी में जब मार्कोनी, तो सीधे आप क्या कह सकते हैं मार्कोनी, मार्कोनी कोफ को अपन बोलेंगे कि H पॉजिटिव, यानी कि H वाला जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो वहां अटैच होगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, ज्यादा, और नेगेटिव माइनस वाला जहां कम है हाइड्रोजन जी। लेकिन मार्कोनी कोफ ये कह के चले गए, लेकिन इनकी बात हर जगह मानी नहीं जाती, स्टेबिलिटी को ही ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या फिर कुछ और देखा जाता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, उसी के अकॉर्डिंग, लेकिन जहां रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा वहां इनकी बात मान ली जाती है। तो आंसर कौन सा हो गया था सर उसका, तो 2 hydroprotein जी, 1 2 ये वाला, ये बहुत बढ़िया सवाल था सर, एक आपने वो भी तो होता है ना सर, पिछले आपने एग्जांपल में किया भी था पिछले वीडियो में अपने कि CH2CH2OH और OH, यानी कि ये ग्लिसरॉल दे रखा है और इसकी रिएक्शन HI के साथ करवा दें एक्सेस में, करते करते लास्ट में यही प्रोडक्ट मिलता है, यही मिल जाएगा जी भाई, कैसे H2H2 निकाला, आई लगा दिया, फिर आई निकाला, फिर MKR लगा दिया, फिर आई निकाला, वही बन जाता है, वही बन जाएगा जी। बहुत सही चीज याद दिलाई आपने जी। ठीक है बेटा चले NBS, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी, अल्फा पे NBS का काम क्या है, सीधा बात करेंगे, सीधी बात, अल्फा पे BR लगाना, BR लगाना, और एक दिन हमें याद है कि आपने कुछ ऐसा भी एग्जांपल लिया जी, ऐसा याद
जी यहाँ पे रेडिकल बनाया था, उसके बाद में कॉन्जुगेशन करवा के मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाया था ड्यू टू कॉन्जुगेशन वाला। लेकिन आज कुछ ऐसा नहीं, नहीं है, आज आज है हमने सीधी वाली बात करी है। एनबीएस का काम डबल बॉन्ड या बेंजीन के ठीक बगल से एच हटा के क्या लगाना है, बीआर। अगर सर एनसीएस होता तो क्या करते, सीएल लगा देते जी, वहां सीएल लगा देते हैं। अब एल्कोहलिक एनएओएच क्या करते हैं, एचबीआर निकाल दिया, एलिमिनेशन का काम हो जाएगा सर। थोड़ा नीचे बड़ा जी, जी, है। यहां पे सीधे लगाते हैं क्योंकि लंबा है, से बीआर लगाया जी, यहां लिख लो सर नीचे। लेकिन इसको देखना भी तो पड़ेगा अपने क्या है, यहां नीचे आ जाएगा सर। अच्छा, तो ये है डबल बॉन्ड जी, अल्फा पे बीआर लगाइए, एनबीएस जी, एनबीएस एन ब्रोमो सक्सेनेमाइड होता है बेटा, यहां पे अपन क्या लगा देंगे बीआर, फिर एल्कोहलिक क्या काम कर देगा, एलिमिनेशन का काम करेगा जी। फिर एनबीएस की रिएक्शन करवाएंगे, इसके अल्फा पे क्या लगा देंगे अपन, अल्फा अल्फा ये दोनों ही अल्फा ही है, कहीं पे भी लगा दो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास, बी आर आ जाएगा। अब एल्कोलिक एनएच वापस डाल दो, शानदार प्रोडक्ट बेंजीन, एल्कोलिक एनएच आपने वापस डाला तो अपने पास क्या मिल जाएगी, बेंजीन। अब बेंजीन का ओजोनोलाइसिस करवाना है सर, तो क्या रहेगा, वही काट देंगे बीच में से, क्या मिल जाएगा अपने को, CHO, यानी कि ये मिल जाएगा CHO, कितने मोल मिल गया सर, 3 मोल, यानी कि ग्लाइओक्सिल मिल गया। तो बेटा बात करेंगे, ये सर ने पूरी रिएक्शन आपके सामने रखी है जी, एनबीएस डबल बॉन्ड के ठीक बगल से एच हटा के बीआर, एल्कोहलिक एनएच एचबीआर निकाल दिया, फिर एनबीएस वही काम जी, फिर एल्कोहलिक क्यूएच जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखनी है और कार्गो कैपेसिटी भी जी जी, यानी कि यहाँ पे अगर अपन सीधी बात करें तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखी जाती है, यानी कि E2 रिएक्शन हो गई है बिल्कुल। तो यहाँ पे जी 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 एंटी एलिमिनेशन हो गया, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो अपने पास ये वाली एल्कीन बनेगी बिल्कुल, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो सेजेप के अकॉर्डिंग ये वाली बनेगी, उसके बाद में इसकी बात कर लेंगे तो कौन सी बन जाएगी सर, ये वाली। अब जिसमें कॉन्जुगेशन होगा वो मोर स्टेबल होगी, मोर स्टेबल, यानी कि E2 रिएक्शन है सर, E2 रिएक्शन में क्या देखा जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट एल्कीन जो मिल रही है उसकी स्टेबिलिटी देखी जाती है, स्टेबिलिटी मतलब आंसर अपना 3-2-1 जी, ठीक है सर जी, 3-2-1 यानी कि सेकंड आंसर जी। इसमें एक थोड़ी सी बात फिर करते हैं जी, अगर सर ऐसा कुछ है CL जी, E2 जब आपने छेड़ दिया तो E2 में एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन होता है, और यहां कर दिया CS3, एंटी पेरिपेलर ट्रांजिशन स्टेट मिलती है, और यहां हो गया CS3 जी जी, और आगे अल्कोहलिक की वजह जी। अब थोड़ी सी बात कर ले सर, एंटी में एंटी से अटैक करेगा, यानी कि ये एंटी है, अब एंटी यानी कि ये जो अपने मान लो कि अल्फा 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 पे कौन है, लिविंग ग्रुप हैलोजन, और यहाँ पे बीटा कार्बन बीटा से हाइड्रोजन है, अब कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, वो यहाँ पे जाएगा और ये लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर जाएगा, तो एंटी पेरिप्लेनर स्टेट, यानी कि ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होने चाहिए तभी बात हो पाएगी। तो यहाँ पे मतलब ये कह रहे हैं अगर सीएल ऊपर है हाँ, तो एच कहां का चाहिए, नीचे होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, और सीएल नीचे है तो एच कहां का ऊपर, दोनों ऊपर है तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, दोनों नीचे है तो रिएक्शन नहीं होगी, एक ऊपर और एक नीचे होना चाहिए। अब ये देखो सर ऊपर है तो इसका मतलब हाइड्रोजन देखो नीचे कहां पर है, यहाँ पे बात आएगी तो यहाँ एच है और यहाँ पे ऊपर हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं जा सकता, दोनों ऊपर हो गए एक ही साइड में हो गए, अब ये एक ऊपर है और एक नीचे है, तभी जा सकता और एक ये प्रोडक्ट जी जी जी। यहाँ पे अगर अपन प्रोडक्ट बनाएंगे तो कौन सा मिल जाएगा अपने को, यहाँ पे डबल बोन आ जाएगा और यहाँ पे बैक साइड में ही क्या रहेगा, CS3 रहेगा और यहाँ पे CS3, ये तो प्लेनर हो गया सर, CS3 आ जाएगा ठीक जी। अगर ये रिएक्शन सर दोनों के सारे अगर अपन क्या कर देते, ये नीचे कर देते, चलिए कर ही देते जी जी जी, कलर चेंज कर लेते हैं जी, अब ये वाला जो है जी, अब ये ऊपर जाएगा, ये नीचे था तो एच ऊपर जी, यहां भी एच ऊपर, रिएक्शन होगी नहीं हो पाएगी सर,
अब नहीं हो पाएगी सर कंडीशन में, नहीं जी। अगर अपन यहां पे भी कई बार क्या होता है सर कि CH3 लगा देता है नीचे की ओर, तब ये रिएक्शन हो पाएगी। हाँ, और तब, ये तब यहां से यहां से रिलीव होगा। हाँ, भाई कहीं से तो HCl निकलना है, कहीं से कहीं से निकलना है, यहां तो हो जाए, ये भी अच्छा हो जाए तो जी जी। नेक्स्ट नेक्स्ट काम करें जी सर। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात हो रही है, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछ जी जी जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है जी, ठीक है। तो हमें सीधे क्या देखनी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टेन है, कार्बोक्टेन ऐसे आराम से घुमा। देखो बच्चों इसमें बहुत सावधानी से आपको ऐसे किया, प्लस उधर से रोटेट कर दीजिए जी, प्लस ये कार्बोक्टेन, ये कार्बोक्टेन जी। अब अल्फा एच देख लेंगे, प्लस और माइनस, एच प्लस तो माइनस बना है, सब पे एच प्लस चला गया, सब पे जी जी, सब पे एच आ गया। इसके पास अल्फा एच कितने हैं, 9 है बिल्कुल। इसके पास अल्फा एच की बात करें तो 6 है, 6 है। इसके पास अल्फा एच की बात करें तो 8 है, ये CH2 बिल्कुल बिल्कुल। यहां प्लस पास अल्फा एच कितने हैं, 6 है। बट सर इन दोनों में से कोई मोर स्टेबल होगा, होगा क्योंकि यहां पे NH NH बैक बॉन्डिंग हो गई, BB तो बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई, BB से बड़ा स्ट्रांग अल्फा एच नहीं जी, है जी जी जी। A तो for aromatic, B for back bonding, back bonding। अब एक सर NH और O में कैसे हम डिसाइड करेंगे, जो जिसकी EN कम होगी वो जल्दी लोन पे डोनेट कर देगा, मतलब NH का प्लस M माने ज्यादा होगा, अधिक होगा जी, जी जी जी। तो आंसर में हम क्या करेंगे, सबसे R की सबसे ज्यादा बिल्कुल, फिर उसके बाद में Q की। अब हम इसमें अल्फा एच देख लेंगे जी, उसके पास अल्फा एच 9 थे, इसके पास अल्फा एच 8 है, तो जी तो उसके बाद में पी और उसके बाद में क्या जाएगा एस, तो आंसर क्या हो गया, आर क्यू पी एस अपना थर्ड आंसर बिल्कुल जी। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन देख के बताएं जी। इस पर हम लोग कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, बच्चों को जो भी आए वो उस पर बेहतर बात करी जा रही है कि आप उसको ध्यान से देख लो। कोई सर एक और एग्जाम्पल इसमें ले लें जी, जरूर कोई एक एग्जाम्पल लीजिए जिसे सिंपल से ऐसे सिंपल से लीजिए। बेंजीन लिया जी, CH डबल बॉन्ड CH2 कर दिया जी। दूसरा लिया बेंजीन लिया, कोई प्लस वाला लगा दो सर, कोई माइनस वाला लगा दो, यहां पे हमने NO2 कर दिया जी। और ये बेंजीन लिया जी, लिख दीजिए CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे अपने OCH3 लगा दिया, सिंपल से कहा जी। यहां पे मान लो कोई और लिया, यहां पे क्या दे दिया CH डबल बॉन्ड CH2, और मान लो कोई NH2 लगा दिया जी जी, ठीक है। अब वही कहानी जो सब एक पहले घुमाया, ऐसे प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया जी, प्लस लगा दिया जी। सर बच्चों अगर जो बेंजीन में कैसे हम देखेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ठीक है सर। हाँ तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाएंगे अपन और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख लेंगे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं जी, कोई टेक्निकल एरर आने के कारण कुछ काम में बाधा हो गई थी। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे, प्लस वाले इंक्रीज करेंगे, माइनस वाले डिक्रीज करेंगे, तो NO2 का कौन सा प्लस M की बात कर रहे हैं जी जी जी, प्लस वाले प्लस M कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, माइनस M कम करेगा जी, सर प्लस M माइनस M। अब अपन बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं तो प्लस वाले देखेंगे, यानी कि प्लस M हो सकता है, वो प्लस I हो सकता है, प्लस H हो सकता है, वो उसी के अकॉर्डिंग, तो माइनस M हुआ जी, ये माइनस M हुआ, और ये कौन सा हुआ प्लस M, और NH2 का भी कौन सा इफेक्ट होता है प्लस M। अब प्लस M सबसे ज्यादा किसका है, NH2 का, O माइनस NH2 जी, OH OCH3, हमें इतना काम है, बस इतना सा काम है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका हो गया, इसका फोर्थ की सबसे ज्यादा हुई, सबसे अधिक स्टेबल फोर, फिर फोर्थ, उसके बाद में थर्ड, उसके बाद में फर्स्ट, और सेकंड पे माइनस वाला आ गया, इसका मतलब माइनस M कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है जी। नेक्स्ट चले जी SN1 की बात, वही बात आ गई सर, वही आ गई। हाँ जी, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाएं, लुप्त उठाएं, और बीबी बैक बॉन्डिंग देखेंगे, ठीक जी। यहाँ निकाला अपने प्लस बनाया जी, ये पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, और वहां पे पॉजिटिव चार्ज आया जी जी, ये वही वाली बात आ गई सर, यानी कि नाइट्रोजन जैसे पीछे सवाल में आपने किया था, NH का आप लिख सकते हो सीधे, NH का प्लस M O से अधिक होता है सीधे, क्योंकि कई बार आ रहा है और इंपॉर्टेंट भी है। सबसे अधिक सर क्या हो गया, Q सबसे ज्यादा हो गया, फिर उसके बाद में अपन P, उसके बाद में R, और सबसे कम कौन सा हो गया S जी। तो SN1 कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ठीक है। कौन सा आंसर हो गया सर, QPRS यानी कि थर्ड आंसर। एक बात यहां हम सोच रहे हैं कि SN2 के बारे में थोड़ी सी जानकारी जी जी जी। तो SN2 कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट की, ट्रांजिशन स्टेट की, ट्रांजिशन,
माइनस वाले इंक्रीज करेंगे, वहां उल्टा हो जाएगा। तो SN1 ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखेंगे जी, तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? वही माइनस वाले स्टेरिक इंडेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक, तो पहले अगर सिंपल SN हम क्या लिख रहे हैं बेटा, SN2 ऑर्डर, हम एकदम सिंपल से कहानी ले रहे हैं, CH3 जी Cl जी, एक तो ये ले लिया आपने, फिर अपने Cl ले लिया, फिर थर्ड आपने क्या ले लिया, कुछ ये ले लिया, तो सबसे ज्यादा अपन देखेंगे जिसके ऊपर क्राउडिंग कम होगी, कम होगी उसका मतलब SN2 उसमें ज्यादा होगी, यानी कि सर अटैक करवाना है न्यूक्लियोफाइल का। अब न्यूक्लियोफाइल और जब अपने लिविंग ग्रुप लगा होगा तभी उसके बैक साइड से अटैक होगा, बिल्कुल, यानी कि बोल्डन इन्वर्जन होगा इसमें, कंप्लीटली इन्वर्जन होता है। SN2 सर वन स्टेप की होती है, टू स्टेप, वन स्टेप की होती है, वन स्टेप ट्रांजिशन। हाँ, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करता है, मतलब जो बात आपने रेसमाइजेशन कहा था कि 100% नहीं होगा, जी जी जी, इसमें इन्वर्जन, इसमें ओनली ऑन बोल्डन इन्वर्जन होगा, बोल्डन इन्वर्जन जी, और इसमें 100% कह सकते हो, सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, 100% वाली ले लो। हाँ जी, यहाँ लेते हैं हम Cl जी, और यहाँ कर देते KOH। अरे एक बात सर और आप याद दिला जी, कि यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट तो SN1 को फेवर करता था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट SN2, यानी कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए यूज किया जाता है कि वो न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देता है, मतलब आपका कहने का DMFO, डायमेथिल ब्रोमाइड, DMSO हो, THFO, एसीटोन हो जी, हाँ ये सब क्या है जी, अप्रोटिक, ये सब क्या है अप्रोटिक। तो यहाँ पे कोई हम ले लेते हैं, अब DMSO ले लिया हमने जी जी, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, तो जो प्लेन के ऊपर है जी, वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि मतलब सीधे हमने यहाँ पे क्या उठा दिया, OH जी, ये ट्रिक सीधी ध्यान रखो, नीचे है तो ऊपर, ऊपर ऊपर है तो नीचे, जी SN2, और SN2 का जो ऑर्डर है, मान लीजिए सर हमने ऐसे ले लिया जी, CH3 CO CH2 CL CH2 CL जी, ठीक है, माइनस वाले इंक्रीज करेंगे, प्लस वाले डिक्रीज कर देंगे, CL ले लिया जी, और कोई यहाँ पे 3 डिग्री ले लिया जी, यहाँ पे कोई 2 डिग्री ले लिया जी, 2 डिग्री H लगा दो, 2 डिग्री ले लिया जी, आगे 1 डिग्री ले लिया जी, C2H5 CL जी, यहाँ 6 नंबर CH3 CL ले लिया जी, और 7 नंबर ले लिया बेंजीन क्लोराइड जी, CH2Cl, यहाँ पे हमने जानबूझ के लिया है 6 और 7, थोड़ा सा इसमें क्योंकि IIT में क्वेश्चन आ चुका है जी 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 जी, तो इस चक्कर में ये तो SN2 इसमें ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बहुत एक्सटेंड 1,00,000 गुना अधिक होती है, यहाँ पर कहीं बेटा CO CH2Cl देखो, हां सर, तो ये तो सबसे पहले टिकाऊ जी, अब यहाँ पे माइनस, बिल्कुल जी, तो 1 के बाद क्या हो गया 2 सर, SN1 SL as well as SN2, यानी कि SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, इस बात को कह के सर ने दिल जीत लिया जी, बात क्या है कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि SN1 और SN2 एक दूसरे का अपोजिट है, हाँ यहाँ पे सेम है, ऐसा हमेशा नहीं है, ये एम्स का क्वेश्चन है कि SN1 SN2 का, यहाँ मान लीजिए सर यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CN जी, ठीक है, और CH3 CH2 CH2 CN जी, तो यहाँ भी SN1 SN2 की रेट ज्यादा होगी, सेम होगी, मतलब SN1 SN2 दोनों की सेम होगी, इसे ऊपर वाले की ज्यादा होगी, एक जगह और एक जगह और, कहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया CH3 F जी और CH3 I जी, यहाँ भी SN1 SN2 की रेट ज्यादा होगी, हाँ मतलब सेम होगी, मतलब आई की SN1 भी अधिक होगी और F की, क्योंकि लिविंग ग्रुप, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी दोनों सेम हो रही है जी जी जी, लिविंग ग्रुप भी तो देखेंगे सर, लिविंग ग्रुप वही तो, जब स्टेबिलिटी सेम हो गई तो हम लिविंग ग्रुप से डिसाइड करेंगे, तो सर यहाँ पे पहले इसका एक ऑर्डर हम सिस्टमेटिक सेट करेंगे, 2 के बाद सर किसका आएगा, 1 के बाद नहीं, बेंजीन, बेंजीन माइनस आई के अकॉर्डिंग बात करेंगे सर, 2 हो गया, हाँ उसके बाद में ये आएगा, क्योंकि इसका क्या हो गया बेंजीन का, अब माइनस आई के अकॉर्डिंग बात करेंगे SN2 में, लेकिन यहाँ पे सर एक लफड़ा है जी, रेट तो इसकी सेम होती है जी, लेकिन IIT ने आंसर CH3Cl दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 6 नंबर, उसके बाद में 7 नंबर, पहले हम इसको
अगर पूछ ले कोई तीसरी को आगे कर लेंगे, फिर 1 डिग्री जी, 2 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री लिख दिया सीधा जी जी जी, ठीक है जी। तो 5, 4, 3 और 3 जी, मतलब एक बात ये सीधे, अगर कहीं भी ऐसे दे रखा हो CO CH2 Cl जी, ये दिया जी, ये दिया जी, पूछा जाए SN2 सबसे अधिक फर्स्ट ये वाला, इसको तो पहले गिरा दो, उसके बाद से इसको, इसको उसके बाद में इसको और सबसे लास्ट में इसको। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन CH3Cl के साथ है, अगर C2H5Cl है तब तो कोई लफड़ा नहीं है, तब तो यही होगा, सबसे यही होगा फिर, ठीक है जी। CH3Cl हो और ये हो तो CH3Cl, CH3Cl को जल्दी मान लेते हैं क्योंकि उसमें क्राउडिंग कम है, कम और सबसे छोटा भी है वो, ठीक बहुत बेहतरीन। फिर आ गया जी NaNH2 सर क्या करते हैं, HBr निकालता है जी, हाइड्रो बोरेशन कर देगा ये, तो ये हो गया pH डी हाइड्रोहैलोजिनेशन कर देगा, और फिर यहां देखिए x NaNH2 खुद ही दे दिया जी जी जी, तो एक बार NaNH2 HBr, दूसरी बार NaNH2 फिर HBr, ये बन गया अल्काइन बन गई HCl। अब NaNH2 क्या करेगा सर, अब सर वो एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, लिखिए यानी कि अगर अपन बात करें कि स्ट्रांग एसिड वीक एसिड को उसके सॉल्ट में से रिमूव कर देता है, तो ये तो बेस है और ये एसिडिक हाइड्रोजन रखता है, तो किसका फॉर्मेशन हो गया pH C ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, CH3I के साथ, अब ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, ये SN2 रिएक्शन होगी सर, यहाँ पे अपने पास क्या मिल जाएगा pH ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, मतलब NaNH2 आपने यूज किया तीन बार जी, लिख देते हैं यहाँ पे 3 में हो गया 3NH2 जी। अब यहाँ पे अपने पास करेंगे दो बार तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया जी, तो दो बार टोटल कितने हो गए, 5 हो गए सर, आंसर अपना क्या आ जाएगा 5। एक छोटी सी बात फिर बच्चों को बताते हैं जी जी जी, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 जी, यहाँ Na लिक्विड NH3 लिख दीजिए, NaNH2 Na लिक्विड NH3, अच्छा अपने ब्रिज रिडक्शन की बात कर रहे हैं जी 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 जी, लिक्विड अमोनिया लिख दी शानदार जी। अब यहाँ तो क्या बन जाएगा सर, यहाँ पे तो अपने क्या बना देंगे सर, यानी कि ट्रांस जी, लेकिन यहाँ यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज Na पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट, ये बात बताने की है Na लिक्विड NH3 ट्रांस एल्कीन, लेकिन टर्मिनल एल्काइन है तो आप एसिड बेस रिएक्शन। हाँ सर, अपने पीछे वीडियो में बात की थी, पीछे वाले सवालों में भी हाइड्रोकार्बन में अपने बात की थी कि अगर यहाँ पे एल्कोहलिक QH दे रखा है तो वो किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसमें कन्वर्ट कर देता है, बिल्कुल हाँ, आइसोमेरिलेशन की, बिल्कुल बिल्कुल आइसोमेरिलेशन की बात करी थी, ध्यान रखें शानदार जी। बेंजीन रिंग पर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो मेटा जी, तो ओ सर क्या है, प्लस एम एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा जाएगा, ऑर्थो पैरा एक और तीन नंबर, मेटा पैरा जी, तो 1 और 3 नंबर, 3 नंबर, 1 और 3 नंबर, इसका मतलब ऑप्शन में मेजर कहते सर तो क्या करते हैं, थर्ड नंबर आता सर, बिल्कुल क्योंकि इसका प्लस एम के साथ साथ माइनस आई भी होता है, बिल्कुल जी। नेक्स्ट चले बात जी, फिर बेहतरीन क्वेश्चन है, when aqueous solution of Br2 and NaCl treated with ethene which is not possible product, मतलब हम एक सीधी बात कर ले CH2 double bond CH2 जी, Br2 हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं Br2 CH2 Br+ जी, आगे का सब क्या है, ये नॉन क्लासिकल कार्बन 10 का फॉर्मेशन हो गया। अब अपने को क्या दे रखा है, एक तो Br नेगेटिव दे रखा है, फिर अपने को क्या दे रखा है Cl भी दे रखा है, और फिर अपने को क्या दे रखा है बेसिक यानी कि OH नेगेटिव भी दे रखा है, तो क्या हो जाएगा एंटी एडिशन होगा, यहाँ पे Br और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा Br, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 इधर Br और क्या आ जाएगा सर Cl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 Br और OH जी, ठीक है ये प्रोडक्ट मिल गया। अब कौन सा नहीं आ सकता, यानी कि Cl नहीं आ सकता क्योंकि Cl का पहले एडिशन नहीं हुआ है, मतलब आंसर आपका ये जी, ठीक है। अभी जैसे मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो सर कौन सा होगा, OH जी, क्योंकि जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी वही अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है बेटा समझ गए, सीधे सीधे Br+ लगाया जी, फिर सर ने यहाँ Br- क्योंकि Br2 था ना जी जी, और Cl- कहाँ से NaCl से, OH- कहाँ से aqueous से, ये चीज दे जी, OH- आ गया जी जी, ठीक है बेटा नेक्स्ट चलते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है सर ये भी,
तो पहले तो इसमें हम देख लेते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की, और फिर हम देखेंगे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। हाँ जी, तो यहाँ देखा कार्बोकैटायन प्लस कितने हैं सर इसके पास, अगर अपन बात करें तो 6, इसके पास 4, 7 जी, इसके पास हो गए अपने 2, 2, 1, यानी कि 6 हो गए टोटल, 6 हो गए इसके पास, 6 है। और इसकी अगर अपन बात करें तो ये तो प्रोडक्ट ही गलत हो गया सर। हाँ, तो अब हम यहाँ प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखें, ठीक है ना, ये सब तो कमी है जी, तो कौन सा प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट 2 और 1 3 जी, तो जिसकी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कम होगी वो जल्दी रिएक्ट करेगा, ज्यादा होगी तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम होगी, वो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। इसमें तो ये रिएजेंट इसलिए सर ने काट दिया कि ये गलत हो रहा है वहां जा, जी जी ठीक है, यानी कि ये इधर टूटता, वो कार्बोकैटायन बनाते जो मोर स्टेबल होता, इसने उल्टा बना दिया इसका मतलब ये ऑप्शन से गड़बड़ है। हां जी, तो यहां प्लस, तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से इसका आंसर जी जी ठीक है जी, तो अपना आंसर नेक्स्ट बार। हां, और इसमें हो जाएगी रीअरेंजमेंट जी, इसमें भी रीअरेंज बना रखा है, ये प्लस है जी जी, ये रीअरेंजमेंट होगी इधर आएगा जी, ठीक है जी सर। नेक्स्ट चलेंगे, बढ़िया सवाल है सर, करेक्ट रिएक्शन जी सर, ये लुका छिपी का खेल खेल रहा है, यानी कि SClZnCl2 क्या होता है, लुकास रीजेंट जी, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए ZnCl2 कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और 3 डिग्री अल्कोहल सिर्फ हिलाने मात्र से ही रिएक्शन हो जाएगी, ये जल्दी नशा कर देता है 3 डिग्री अल्कोहल। हाँ, मतलब ये ZnCl2 है जी, ये सही है जी, बहुत बढ़िया, ये HCl नहीं हो सकता, यहाँ ZnCl2 होना चाहिए जी, नहीं देर और HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हो जाएगी सीधा जी, तो आंसर अपना क्या ये भी हो जाएगी सर, क्योंकि HCl के साथ अपन रिएक्शन करवाएंगे तो हो जाएगी, लेकिन इसमें ZnCl2 नहीं है ना। हाँ, ये NCERT की लाइन है कि कौन जल्दी करेगा कौन सा रिएक्शन सही है। हाँ, मतलब NCERT अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, ठीक है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ANC हो जाएगा। वैसे नॉर्मल अगर अपन करवाते हैं तो हो जाती है, लेकिन ये पूछा कि कौन सही है लुकास रीजेंट के अकॉर्डिंग, तो वो हो जाएगी जी, क्योंकि इंटरमीडिएट मतलब कोई नहीं, 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए ZnCl2 की रिक्वायरमेंट होगी 3 डिग्री अल्कोहल के लिए नहीं होगी जी, वो सीधे सिंपल से रिएक्शन हो जाएगी। एक क्वेश्चन और कर लें, ये थोड़ा सा इसमें कुछ और बातें कर लें, इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर, ठीक है। तो अपने हैलोजन डेरिवेटिव में क्या क्या आप चाह रहे हो बच्चे क्या क्या पढ़े, इसके बारे में थोड़ी सी नेम रिएक्शन पढ़ लें जी जी, नेम रिएक्शन पढ़ लें, स्वार्ट है जी, स्वार्ट है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन इसी में, रिएक्शन है वुड्स, फिटिंग भी इसी में, फिटिंग रिएक्शन है, और फिटिंग रिएक्शन भी है। हाँ सर, उलामान भी है, उलामान एनसीईआरटी में नहीं है शायद उलामान, लेकिन पढ़ लें बच्चे, पढ़ लें उलामान क्या होगा, सिंपल सी CU आई की रिएक्शन का, आई जी CU के साथ रिएक्शन करवा देंगे, क्या बन जाएगा, ये बाइफिनाइल बन जाएगा सर। सर एक सवाल आया था मेरे मन में आ गया अभी, क्योंकि मैंने देखा था नीट में एक बार कि यहाँ पे NO2 लगाया हुआ था, यहाँ पे क्या लगा रखा है NO2 और यहाँ पे क्या लगा रखा था आई, और इसकी रिएक्शन वही उलमान रिएक्शन की थी CU के साथ, बिल्कुल सही ठीक है। तो NO2 उसमें दोनों ऑप्शन थे, एक तो दोनों NO2 एक ही साइड में थे और एक अपोजिट में थे, तो उसको लिखिए सर, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, कुछ ऐसा था, दोनों NO2 को क्या लगा रखा था एक ऑप्शन में, तो दोनों NO2 एक ही साइड में थे ये लगा रखा था, और दूसरे ऑप्शन में कुछ ऐसा था, उसमें से मेजर प्रोडक्ट पूछा गया था कि मेजर कौन सा है, तो मेजर मेरे हिसाब से सर ये होना चाहिए, यानी कि NO2 क्या था, अपोजिट वाला था, ये उसमें आंसर था। तो इसको थोड़ा सा प्रकाश डालिए बच्चों जी, जी जी, यहाँ पे ऐसा था कि मतलब अगर कहने का मतलब सर का कि एक दिया था, हाँ, ऐसे दिया था CU अपने अभी बाइफिनाइल बनाया था, एक तो सीधे उसने ऐसे जोड़ दिया था, दोनों जोड़ और एक अपोजिट में जोड़ दिया, एंटी में करके जोड़ दिया, ठीक है। हाँ, तो NO2 क्या था, उसमें रीजन ये था कि NO2 बल्की ग्रुप है, हल्का फुल्का कहीं रिपल्शन हो जाता है, जिसके कारण एक रिंग आउट ऑफ प्लेन हो जाती है, यानी कि उससे उल्टी हो जाती है, और NO2 बल्कि ग्रुप है ये, क्योंकि SIR में इसको लेते हैं अब जी जी जी, तो इस वजह से इसका जो मेजर प्रोडक्ट था वो ये था। वेरी गुड क्वेश्चन जी, ठीक है सर जी सर, और बात इस पे, हाँ, तो स्वार्ट फिंकलस्टीन वुड्स ये सब उलामान हो गई जी जी, फिर अपने बात SN1 SN2, तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जी जी जी, E1 E2 भी मोस्ट इंपोर्टेंट, हाँ सर, E1C भी आप हल्का सा पढ़ लेना, वही फ्लोरीन वाला पढ़ लेना, कोई ज्यादा बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं जी। और बात अपने फिर आगे अपने उसमें DDT वगैरह जो है, फ्रेयॉन DDT ये भी पढ़ लेना बेटा, पूछ ले कि DDT सर कैसे बनेगा, क्लोरल की क्लोरोबेंजीन की
किसके साथ बेंजीन? हाँ सर, क्लोरिल की रिएक्शन करवाते हैं सर बेंजीन के साथ, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। हाँ, सीसीएल आपसे पूछ लेगी किसमें क्लोरीन अधिक है, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं ये, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ये बन जाता है CCl3CH। और यहाँ पे सर मुझे ये याद आ रहा है, जब मैं 12th में था तो मुझे इसका IUPAC नेम पूछा गया था। हाँ, वाई हाँ, पूछता है। हाँ सर, तो इसका IUPAC नेम बताया था मैंने कि यहाँ पे CL3 है। हाँ, और यहाँ पे दो ही ग्रुप है। हाँ, तो इसका मतलब 1 नंबर इसको मिलेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को लेस नंबर, इसका 2 नंबर। अब ये कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेड हो गया। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेड के लिए क्या यूज करेंगे, 20-30 ऐसा कुछ यूज करेंगे। तो इसका नेम तो हो गया 1-1-1, ये क्या आ जाएगा, ट्राइक्लोर। और इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, 2-2-20 यूज कर देंगे। और इसका नेम क्या था भला, 4-क्लोरोफिनाइल। और लास्ट में अपन क्या यूज कर लेंगे, इथेन। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। वैसे क्या नेम हो जाता है इसका, DDT, ठीक है, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन जी। इसको 1973 में बैन किया गया था, ये सब NCERT में है, तो ये आपको पढ़ना जी। ऐसे फ्रियोन जी, फ्रियोन CBA हो सकता है, अगले लेक्चर में कुछ उस पर बात करें, क्वेश्चन आएगा तो। और फिर बात हुई इसमें E1 E2 बोल दिया गया, इसी में रेसमाइजेशन काइरल एकाइरल इसी में है। हाँ सर, ऑप्टिकल एक्टिव का जो NCERT में जो पार्ट है वो इसी में दे रखा है। जी जी जी, तो काइरल जानते हो आप लोग, चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट। तो इन सब की बातें अपने कुछ और भी बातें नेक्स्ट क्लास में हैलोजन डेरिवेटिव 2 में कर लेंगे। जी जी, ठीक है डियर। तो इसमें जो जो क्वेश्चन अपनों ने किया आराम से उसको पोज करके देखना है, इसको कोई ज्यादा जो भी आप पढ़ो आपको क्लियर कट आए। हम लोगों ने क्वेश्चन के अलावा भी हर पेज पे बात करी है, जी जी। दो तीन अच्छे क्वेश्चन भी आपको, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 99% लॉजिकल सवाल आते हैं। हाँ, 1% को इधर उधर हो जाता है, हो जाए तो जी। उसको भी आप लोगों ने बोली दिया। हाँ, वही पूछ सकता है कौन सा स्वार्ट रिएक्शन है। हाँ, अब उसको थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। तो हम लोगों ने देखिए हर चीज पे अपने बात करी जी। अब नेक्स्ट क्लास में फिर अपने क्वेश्चन उठाएंगे और फिर एक एक क्वेश्चन अच्छे जी, वाले जिसे जरूर बात हम और सर मिलके कुछ आपको बेहतर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है डियर। तो नेक्स्ट हैलोजन डेरिवेटिव के साथ मिलते हैं। जय श्री, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।